सातवीं कक्षा की छात्रा ने किया वेजिटेबल पिकर का आविष्कार। रंगरा चौक प्रखंड के सधुआ दियारा की सातवीं कक्षा की छात्रा मनीषा ने सब्जियों को तोड़ने के लिए वेजिटेबल पिकर नाम के एक यंत्र का आविष्कार किया है। इसी यंत्र की प्रस्तुति पर मनीषा का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता में जिला स्तर पर किया गया है। मनीषा ने बताया कि उसके पिता बैंगन की खेती करते हैं। निरंतर बैंगन तोड़ने के क्रम में उसके पिता के हाथ में घाव हो जाता था। पिता की तकलीफों को देखते हुए मनीषा इस आविष्कार के लिए प्रेरित हुई और 4 माह अथक प्रयास कर वेजिटेबल पिकर का आविष्कार कर दिया। मनीषा सधुआ दियारा के उत्तम सिंह और सोनम देवी की पुत्री है। वह मध्य विद्यालय चापर दियारा में सातवीं कक्षा की छात्रा है। वर्ग शिक्षक राकेश रोशन और रंगरा चौक प्रखंड के वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने मनीषा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा पीएचसी में विवादित सड़क का निर्माण कार्य पूरा। रंगरा पीएचसी के किचन से वार्ड तक बन रही सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मालूम हो कि घटिया निर्माण की बात सामने आते ही इस सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि पीएचसी में किसी प्रकार का सड़क निर्माण कार्य नहीं कराना था। किचन से वार्ड तक ट्रॉली लाने और ले जाने के लिए एक समतल पट्टी का निर्माण कराया गया है। इसकी लागत भी काफी कम थी। लागत के हिसाब से समतल पट्टी का निर्माण कराया गया है। रंगरा पीएचसी में 20 स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ वैक्सीनेशन। रंगरा पीएचसी में गुरुवार को 20 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों का COVID-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया। रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि गुरुवार को कुल 29 लोगों का वैक्सीनेशन किए जाने का टारगेट था, लेकिन 9 लोग अनुपस्थित रहे। इस कारण 20 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका। डॉक्टर रंजन ने कहा कि पहले चरण का वैक्सीनेशन संपन्न हो गया है। मास्क नहीं पहने 3 लोगों से रंगरा पुलिस ने वसूल किया ₹150 जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाकर मास्क नहीं पहने कुल 3 लोगों से ₹150 जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि अभी निरंतर मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। रंगरा पुलिस ने संगीन मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने संगीन मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि पुलिस ने भवानीपुर गांव से सोनू कुमार और साधुपुर गांव से कमलेश्वर दास को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों संगीन मामले में फरार चल रहे थे। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू ₹50, मटन स्टू ₹65, चिकन सिक लेग पीस ₹100 और तो और चिकन थाली मात्र ₹150 एवं मटन थाली ₹195 में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747।